पांच साल में पांच गुना खुद की आय कर दी, इसका एफिडेविट बोलता है। इसके एफिडेविट में लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश धनखड़ की जेब पांच गुना मोटी होगी पांच साल में। ये थारे वर्ल्ड कॉलेज वाली छोरियां धरने पर बैठी हैं, आज तक अगर इनकी पैसे या इनकी डिग्री वापिस नहीं मिल पाई तो उसका कारण के मात्र यह है कि खुद मंत्री उस कॉलेज को खरीदना चाहता है। साथियों, बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए खट्टर साहब ने, लिख दिया ईमानदार सरकार मनोहर सरकार, लिखा नहीं लिखा। कभी चोर अपने आप को चोर लिखता है? और ईमानदार आदमी को, बूढ़े बैठे पंचायत बैठी है, इनसे पूछ लो, ईमानदार आदमी को कभी यह बताने की जरूरत नहीं मैं ईमानदार हूं, जनता उसको ईमानदार बोलती है। ये तो वो लोग हैं जिनने 5000 करोड़ रुपया खदानों में खाया, 1000 करोड़ रुपया आपकी रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में खाया, 100 करोड़ रुपया ये बिजली के मीटर जो घर के बाहर कर दिए ना गुजराती कंपनी के, उसमें खाया, और तो और SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति भी खा गए, 25 करोड़ का घोटाला जिसमें 4.5 करोड़ तो आपके झज्जर जिले में खाने का काम किया। साथियों, छोटा किसको है? ये छोरे बैठे छोरियां बैठी 300 किलोमीटर बस में धक्के कटाए नहीं कटाए इस सरकार ने, और एक बार मिनी 17 लाख को कटवाए ग्रुप डी में, 15 लाख को कटवाए क्लर्क की भर्ती में। मैं तो धन्यवाद करूंगा उस बहन का जिसने फेसबुक पे वीडियो गेड़ी और कहा कि खट्टर साहब मैं तो 300 किलोमीटर धक्के के है काटाई, पेपर भी सिलेबस से बाहर था, मेरा तो अभी जीवन पड़ा है, काम चल जाएगा, सोच लियो हरियाणा की जनता तेरा पेपर 21 तारीख ने कैसा बनाने का काम करे। और साथियों, ऐसा करडा पेपर बना दो, ऐसा पेपर बना दियो कि 21 तारीख को जब मशीन टी 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 करे और 24 तारीख को नतीजा आए तो 75 पार नहीं जमना पार छोड़ के आए। कर दोगे गड्ढे होकर? साथियों, एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि आज के दिन आपके बीच में पार्टी द्वारा एक ऐसा कार्यकर्ता उतारा गया जिसने मेरे ख्याल से 11 साल तो हमारे साथ संघर्ष करते हो और एक दिन भी नहीं होगा आपके बीच में से गायब हुआ। आज धड़कन ने तो टोना पड़ेगा तो भी चंडीगढ़ जाओ दिल्ली जाओ, फिर मंत्री जी टाइम देंगे तो मिलोगे, संजय का तो कड़े ही हाथ पकड़ लिया वही मिल जाएगा नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे विनती है कि अपने आप को ताकत देने के लिए एक एक वोट चाबी का बटन दबाकर देने का काम करो। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, हमारे कई साथी मंच पर बैठे हैं, राजेंद्र जी है, धर्मेंद्र है, अजय है, ये वो साथी थे जिनके मन में चुनाव लड़ने की थी, मगर जैसे ही पार्टी द्वारा इन सब से पूछकर संजय का नाम फाइनल किया, एक एक साथी ने कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ देने का कार्य। और ये वादा मैं करता हूं, संजय विधायक बनेगा इसके एक गनमैन होगा तो इनके साथ चार चार देने का काम करूंगा, इतनी ताकत दे दूंगा इनमें। मगर साथियों, अब आपने संभालना है मोर्चे को। खट्टर साहब तो बिजला बौखलाए हुए हैं, पीछे तो एक गरीब ब्राह्मण की गर्दन पे फरसा रख के कह दिया तेरी गर्दन काट दूंगा। अब कहते हैं दुष्यंत झूठ बोलता है। 5 साल MP रहा आपके बीच में, हिसार से था तो भी जब ट्रैक्टर पे गाज आई तो मुझे याद है उसका नाम धर्मवीर गुलिया था, अपना वर्कर है आपके हल्के का, उसका प्रीत का ट्रैक्टर आया था मेरे पास, 1 महीने ना पार्लियामेंट में बाढ़ के दोबारा गाड़ा बनाया उस ट्रैक्टर को। साथियों, बात आई किसान की मजदूर की, 5 साल में आपके लिए पार्लियामेंट में संघर्ष किया ना किया, आपकी लड़ाई लड़ी और इसलिए लड़ी क्योंकि हमारी ताकत और कोई नहीं, हमारी ताकत तो आप जैसे हरियाणा की आम जनता कार्यकर्ता है। और मैं तो इसीलिए आज आपके बीच में आया कि उस ताकत को अब शक्ति बना दो। ये जो लोग कहते हैं कोई आंख दिखाए आंख निकाल लो,
जो भारत माता की जय ने वहां बोले वो पाकिस्तानी है, और तो और अनिल जैन बेचारा यूपी का है, प्रभारी तो बन गया, पीछे खूब टिकटे बेच बेच कर कमा कर दिए। क्या कहता है उचाणा जाके, कहता है दुष्यंत तो बंदर है, आग लगाता घूम रहा है। बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं है? अरे भाई कैमरे वाले से कहूंगा खंभों पे मार लो, ये देख लो मारी तो ये सारी वानर सेना तैयार बैठी है इस बीजेपी की लंका ने गेड़न खाते। मगर वानर सेना को लंका तक पहुंचने से पहले राम सेतु भी बनाना पड़ेगा, और राम सेतु जब बनेगा, जब हमारा ये पत्थर पे विधायक लिख के समुद्र में गिरोगे। जिता दोगे? हाँ जी। थारे भरोसे छोड़ जाऊं? पक्की बात है ना, देख लो। मैं तो धीरपाल जी के दामाद ने भी ले आया, मुझे इसलिए लेना पड़ा। आज कितना समय हो चुका बादली का, ये रण जो चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था, 15 साल हो गए गढ़ ने खोए, हो गए नहीं हुए? इस गढ़ ने दोबारा गढ़ बनाओगे? देख लो, अगर चौधरी देवीलाल की ये फौज है तो ये मान लेना कि बादली के इस गढ़ में जैसे स्वर्गीय चौधरी धीरपाल जी को जिताया करते थे, आज वो ही समय दोबारा है। उसी जोर शोर के साथ इस लड़ाई के मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। मैं तो एक चीज जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि पार्टी की घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाओ, चाहे नौकरियों के अंदर हरियाणा के युवा साथियों के लिए 75% की बात हो। साथियों दुख होता है, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आउट होती है, और लिस्ट के अंदर हरियाणा के मिलते हैं केवल मात्र 80 में से 2, 78 बाहर के। आज गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है, हरियाणा की हिस्सेदारी 3-3.5 लाख। दिन प्रतिदिन हमारे रोजगारों में औरों का कब्जा हो रहा है। जब माटी थारी, बिजली थारी, पानी थारा, तो नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं ये वादा करता हूं, राज बनने पर, जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन लिखी थी ना खाली कागज पे, रोजगार मेरा अधिकार अधिनियम लेके आएंगे, 75% हर नौकरी के अंदर हमारे युवाओं का रोजगार बना। साथियों, जहां बूढ़े बुढ़िया की बात है, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, और इस सोच के साथ शुरू करी थी कि बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा, नाम भी दिया था सम्मान पेंशन। आज 2000 तो पहुंच गई, मगर बूढ़ों का मान सम्मान खत्म हो गया। क्या हालत है कि बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 2-2 महीने में पेंशन आती है, 80-80, 85-85 का भी ताऊ बैठा था। मैं पूछा, मैं कहा पेंशन लेने के बैंक में जाना पड़ता है, 90 साल के बूढ़े आदमी को बैंक में ये सरकार भेजती है? ये वादा हम करते हैं कि राज बढ़ने पर, जहां बूढ़ों को तो सरकारी कर्मचारियों के बराबर 58 साल, और हमारी ताइयों को 55 साल की उम्र में बुढ़ापा पेंशन देने की व्यवस्था बनाए, और बुढ़ापा पेंशन भी बैंक में नहीं, लिफाफा पटवारी लेके आएगा घर पे पेंशन देने का। और लिफाफे में कितने होंगे? 2000 के 2, 500 के 2, और एक बैंगनी रंग का 100 का, 5100। 5100 हमारी ताई के, 5100 हमारे ताऊ के, 10,200 महीने के घर आवेंगे, बादशाह बरजेगा नहीं बरजेगा? साथियों, जहाज पीने के पानी की समस्या भी बादली के गांव में, जब मेरे को जाने का मौका मिला, इसके अजय के गांव में गया था, वहां सारी औरतों ने आकर बोला कि हमारे पानी की समस्या बहुत बुरी है। हमने ये निर्णय लिया है कि चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह बड़े पीने के पानी की स्वच्छता के लिए आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हर घर तक निशुल्क पीने का पानी पहुंचाने का काम आपकी सरकार करे। वहीं कैंसर की बीमारी
आज परिवार परिवार तक पहुंच चुकी है। अपने तो ये पड़ोस में एम्स भी खुल गया, मगर इलाज के लिए पैसे बहुत लगते हैं। गरीब आदमी को अपना घर जमीन बेचनी पड़ती है इलाज कराने के। इसलिए आपकी पार्टी ने निर्णय लिया है कि राज बनने पर चाहे काला पीलिया हो चाहे कैंसर हो, जानलेवा जितनी भी बीमारियां हैं उनका खर्चा फिर गरीब आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा, सरकार पूरी तौर पर निःशुल्क करने का काम करेगी। और उसके लिए चाहे हमने एम्स जाना पड़े चाहे मेदांता जाना पड़े, ये फिक्र ना करियो कि अपनी खूट बेचने पड़ेंगे। साथियों, वही चाहे कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे प्रदेश के अंदर आज बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बीजेपी ने बात करी, मगर हमने ये नारा लिया है कि बेटी को पढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश की बेटियों की पीएचडी तक की शिक्षा पूरी तौर पर मुफ्त करने का काम आपकी सरकार। साथियों, जहां कर्मचारी साथियों की बात है, खट्टर सरकार ने इन कर्मचारियों पर जितने लट्ठे बरसाए हैं इतने आज तक किसी ने नहीं बरसाए। मैं तो कर्मचारी साथियों को वादा करता हूं कि राज बना दो, पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल करेंगे, पंजाब के समान वेतन देने का भी काम एक एक कर्मचारी साथी को करेंगे। वही जहां ये चलान कट रहे, अभी मेरे मोबाइल पे आई भी थी कि एक कैंटर फतेहबाद में फसल गेरने गया मंडी पे, 4 किलो ओवरलोड था सिर्फ, 4 किलो तो 2 मुट्ठी में भी ठा लेगा किसान, 4 किलो ओवरलोड का उसका चलान काट दिया 33,000 का। फतेहबाद में एक ट्रैक्टर का चलान काटा था 67,000 का, मोटरसाइकिल के चलान तो सबके कटे होंगे, कोई 23,000, कोई 25,000, कोई 29,000। इस नई स्कीम को जहां प्रदेश में समाप्त करेंगे, किसान के ट्रैक्टर को पूरी तौर पर चलान की कटवाई से मुक्त करने का काम आपकी पार्टी। साथियों, मैं तो एक विनती करूंगा, अभी मेरे को कोई बता रहा था कि धनखड़ साहब ने आज सन्नी देओल बुला रखा था। भाई, सन्नी देओल का तो 8-2.5 किलो का, हमारा संजय तो पूरा 100 किलो का है, और हमने तो कोई सन्नी देओल की जरूरत नहीं, तो हम तो संजय का हाथ मजबूत कर दियो। और मैंने सुना हुड्डा साहब कल सामने आके गए थे, बीजेपी के वोट मांग रहे थे मंच से, कह रहे थे कि भाई हमने नहीं दोगे तो बीजेपी ने दे दियो, कई लोग वोट काटने आए हैं। हुड्डा साहब, उपचुनाव आपकी पार्टी भी हमारे सामने लड़ी थी, जब भी आप कहते थे वोट काटने आए, रणदीप सुरजेवाला की जमानत मात्र 700-800 वोटों से बचने का काम हुआ था। और इस बार भी बादली की जनता ने मन बना लिया है, आपने बड़ा धोखा दिया है इस इलाके के साथ। राज बनने पर साथियों, ये बात आपको जरूर वादे के साथ कहता हूं कि कलम संजय के हाथ में विधायक बनाकर आप दे दो, उसमें शाही इतनी डाल दूंगा कि इस इलाके के काम रुकने का काम नहीं। अंत में तो मैं आपसे विनती और प्रार्थना इतनी करता हूं कि अब ये चुनाव कोई मेरा संजय का चुनाव नहीं, ये हरियाणा की जनता का चुनाव है। साथियों, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में आपकी पार्टी का प्रचार बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के अंदर आप सरकार बना रहे हो। ये कई पत्रकार साथी माइक लगा के पूछ देते हैं कि गठबंधन होगा, किसके साथ जाओगे। साथियों, ना तो कमल ताला खोल सकता, ना हाथ घुसा के ताले को खोला जा सकता, चंडीगढ़ की विधानसभा का ताला तो चाबी खोलेगी, और चाबी भी इतनी ताकत अगर आपने दे दी तो मैंने लगे छल्ले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दोगे इस बार, जोटा सा मारोगे नहीं मारोगे? मेरे साथ जोरदार नारे लगाओ, भारत माता की जय। और ये उनके लिए जो कब कहते हैं भारत माता की जय बोलने वाले पाकिस्तानी हैं। साथियों, ये मोदी जी आके हमें कहते हैं कि राष्ट्रहित की भावना सीखो,
इन्हें बता दियो गुजरात से आए हो, आज तक जितने जवान हमारे हरियाणा के शहीद हुए हैं, थारे गुजरात ने तो इतने फौज में जवान भी नहीं दिए। हमें तो गर्व है इस मिट्टी पर, हमें गर्व है इन माताओं बहनों पर जिनने अपने बेटे को सुहाग को आज बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है कि भारत की सेना का हर दसवां जवान इस हरियाणा की धरती से बंदूक पकड़े चाइना के पाकिस्तान के आगे खड़ा है। और इनको बता दो हम तो लड़ाई लड़ेंगे उसी माहौल के साथ जो भगत सिंह ने लड़ी थी, और एक नारा आजादी वाला लगा दो, इस प्रदेश को इस झूठी खट्टर सरकार से मुक्ति दिला दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोनों हाथ ठालो, सन्नी देओल ने बेरा कितना दिए, ढाई किलो के कई हजार हाथ उठ गए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।